तो सर यह है कुछ तस्वीरें मोटो एज 50 अल्ट्रा की। हाँ ग्लास गुरिल्ला भैया के ही यूज की जाएगी, विक्टस वाली। क्यों भैया? अबे साले। और फ्रेम यहाँ पे एल्युमिनियम के होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे अपने सच्चे दिल से एक बात आप लोगों को कहूँ ना, तो यहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये आ रहा है फोन, और जिस हिसाब से अल्ट्रा इसका नाम है ना, उसमें यार इसकी डिजाइन ना सूट नहीं कर रही है। इससे ज्यादा प्रीमियम मुझे एज 30 अल्ट्रा लगा था। खैर इसकी डिजाइन तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। और इसकी प्राइस सुनने से पहले ना अपने दिल को थाम लेना देवियों और सज्जनों, इसकी प्राइस है 90,000 रुपए। 90,000 रुपए। 90,000 रुपए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी इंडिया में 90,000 से बहुत ज्यादा कम प्राइस आने वाली है। वेट करो, आगे बताऊंगा। 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाला पीओलेड डिस्प्ले आने वाला है, जो कि कर्व होगा गाइस, और यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। और बेजल्स भाई काफी ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे मोटो ने एक कंजूसी कर दी डिस्प्ले में, क्योंकि यहाँ पे पीओलेड डिस्प्ले मिलती है, और पी का मतलब होता है प्लास्टिक, तो यहाँ पे प्लास्टिक ओलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि मिड रेंज में सही है यार, काफी सस्ती पड़ती है कंपनीज को, तो मिड रेंज में दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन आप यार मोटो का सबसे फ्लैगशिप फोन है, यहाँ पे प्राइस भी उसी हिसाब से है, तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इनको प्रीमियम डिस्प्ले यूज करना चाहिए था। मोटो वाला खुश हो जाए ना, तुम्हारा सबसे प्रीमियम फोन है यार। सोनी का 50 मेगापिक्सल का मेन वाला कैमरा सेंसर मिलेगा विद OIS, और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड होने वाला है सैमसंग का JN1 सेंसर के साथ में, और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जो कि ओमनीविजन का होने वाला है, और ये 3x ऑप्टिकल जूम देगा और 100x डिजिटल जूम देगा, और साथ में इसमें भी OIS देखने को हमें मिलेगी। और सेल्फी भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, वही सैमसंग का JN1 सेंसर। तो मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड को आप लोगों को पता ही है भाई कैसे यूज करना है, लेकिन यहाँ पे टेलीफोटो लेंस की हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेनली देखा है लोगों को प्रैक्टिकली यूज करते हुए, वो ना मतलब जूम करने के लिए कभी कभार यूज करते हैं। प्रैक्टिकली ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं ना गाइस, वो मैंने देखा है पोर्ट्रेट लेने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि 3x में ना पोर्ट्रेट काफी ज्यादा सेक्सी वाली आती है, और उसको इंस्टाग्राम पे डाल दो तो भाई काफी सारे लाइक आते हैं लड़कियों के। इसको लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से सुपर बना दो प्लीज। हो गया भीख मांग के, एक नंबर का भिखारी है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 ये वही प्रोसेसर है जो कि नथिंग फोन 3 में आने वाला है, और वहां पे मैंने क्या बोला था आप लोगों को पता है? तो यहां पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 को उठाया और उसके ओवरहीटिंग को और इसको ओवरक्लॉक करके इसको नाम रख दिया स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, ताकि लोगों को लगे भाई नथिंग फोन के लिए ये स्पेशल बनाया गया है। वैसे नथिंग फोन 3 की वीडियो देखना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करके देख सकते हो। LPDDR5X की रैम मिल जाएगी, UFS 4.0 का स्टोरेज मिलने वाला है, 4500 mAh की बैटरी और 125 वॉट का चार्जर मिल जाएगा बॉक्स में। और जहां पे मैं बॉक्स का नाम सुनता हूं भाई तो दिल से खुशी होती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट IP68 की रेटिंग मिल जाएगी, और यहां पे स्टूडियो स्पीकर्स भी होने वाले हैं, और इस वाले स्टूडियो स्पीकर्स में कुछ थोड़ा सा स्पेशल, क्योंकि यहां पे स्नैपड्रैगन सराउंड साउंड देखने को मिलता है, तो यहां पे चीखने की आवाज और थोड़ी सी तेज हो जाएगी, और यहां पे जनरेटिव AI भी देखने को मिलने वाला है, जहां पे काफी सारे AI के फीचर्स हमें दिए जाएंगे जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और देखो यार आने वाले दिनों में ना सारे फोन्स को भाई AI फीचर्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया भाई AI के पीछे पागल है। ये फोन जून मिड में या फिर जून एंड तक यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी गाइस, ऐसे लीक्स एंड रूमर्स है। और इसकी प्राइसिंग की बात करते तो आपको पता है यूरोप वगैरह में भाई 90,000 में आया, तो ऑब्वियसली इंडिया में ये फोन चलने नहीं वाला उस प्राइस रेंज में आता है। तो यहाँ पे लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ये फोन 40,000 से 45,000 के बीच में आ सकती है, तो भाई यहाँ पे किल कर सकता है ये फोन अगर इस प्राइस रेंज में आती है। अगर ये फोन 50-55 तक अगर गया ना, तो मेरे हिसाब से यार थोड़ा सा चांस कम लग रहा है इस फोन को चलने में, क्योंकि अगर इस प्राइस रेंज में जाते हैं भाई तो भाई आपको पता है IQ वगैरह बैठे हुए हैं काफी तगड़े तरीके से इसको किल कर देंगे। और नथिंग फोन 3 भी आ रहा है इसी सेम प्रोसेसर के साथ में, जिसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखी है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके जाना है ठीक है, और लाइक भी। ओए होए, हाय 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 हाय, ओए होए।